नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कार्तिक पूर्णिमा 30 नवंबर को है, लेकिन धर्म नगरी हरिद्वार में बाहरी राज्यों से आने वाले तीर्थ यात्रियों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही हर की पौड़ी समेत आसपास के गंगा घाटों पर स्नान के लिए प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही आज से 30 घंटे तक के लिए जिले की सीमाएं सील कर दी गई है, जिससे कोई श्रद्धालु यहाँ एंट्री न कर पाए। वही स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बॉर्डर से ही लौटा दिया जाएगा। दरअसल कोरोना वायरस के उत्तराखंड में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हरिद्वार के जिला प्रशासन और पुलिस ने इसके लिए कार्य योजना भी तैयार कर ली है। जिला प्रशासन ने मौजूदा हालातों और प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए गंगा स्नान पर भी रोक लगा दी है। साथ ही अन्य राज्यों से श्रद्धालु हरिद्वार की सीमा में प्रवेश न कर पाए, इसके लिए आज और कल यानी 29 और 30 नवंबर के लिए सीमाएं सील कर दी गई है। हालांकि कर्म कांड के लिए आने वालों, रोगी वाहन और सरकारी बसों को इसमें छूट रहेगी, तो वहीं शादी और अन्य कार्यों से सीमा में प्रवेश करने वालों का रिकॉर्ड दर्ज कर उनकी निगरानी की जाएगी। देहरादून और मसूरी जाने वालों को सीधे छुटमलपुर और बाहरी गढ़ होकर भेजा जाएगा। वहीं आपको बता दें, SSP सेंथिल अवुदई कृष्ण राज एस के निर्देश पर शनिवार को शहर कोतवाल अमरजीत सिंह ने हरिद्वार देहरादून सीमा पर स्थित भूतवाला चेक पोस्ट पर स्नान स्थगित होने के संबंध में फ्लैक्स लगवाए। वहीं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर सीमाओं पर भी पुलिस ने बैनर पोस्टर लगाए। कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर रोक के चलते रविवार दोपहर बाद जनपद की सीमाएं श्रद्धालुओं के लिए सील कर दी जाएगी। लोगों को असुविधा न हो, इसका ख्याल रखा जाएगा। गौरतलब है कि SPCD कमलेश उपाध्याय ने बताया कि स्नान पूर्व स्थगित होने के चलते आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की डिमांड भेजी गई थी। हेडक्वार्टर से 3 कंपनी PAC जनपद को मिल गई है। पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों से भी फोर्स आया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।